क्या आपने कभी ढोल नगाड़ों के साथ किसी भैंस की विदाई होते देखी है? सुनकर हैरान रह गए ना आप। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और ये भी बताएंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। यह जानने के लिए पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के गुना जिले की, जहां ये शख्स तीन भैंसों के गले में फूल मालाएं पहनाकर पूरे गाजे बाजे के साथ इन्हें थाने से विदा कर अपने घर ले जा रहा है। ये शख्स हैं शेखपुर गांव के निवासी इस्माइल खान, जो पेशे से किसान हैं। दरअसल 26 अक्टूबर को इनकी तीन भैंसे चोरी हो गई थी, जिसके बाद इन्होंने विजयपुर थाने में भैंसे ढूंढने की फरियाद लगाई, लेकिन पुलिस ने इनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। फिर क्या था, ये जनाब अपनी दरख्वास्त को लेकर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंच गए और आला अधिकारियों के सामने भैंस वापस लाने की गुहार लगाई, जिसके बाद आला अधिकारियों ने किसान के दर्द को समझते हुए मामले की जांच धरनावदा थाना प्रभारी उमेश यादव को सौंप दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए उमेश यादव ने 26 दिनों के भीतर तीनों भैंसों को ढूंढ निकाला और उन्हें चुराने वाले आरोपियों को धर दबोचा। ये खबर जैसे ही इस्माइल को मिली तो उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई और पूरा परिवार ढोल नगाड़ों के साथ भैंसों को लेने के लिए थाने पहुंच गया और भैंसों की धूमधाम से घर वापसी कराई। आपको यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान की भैंसे चोरी होने का मामला याद होगा, जिसे 24 घंटे के अंदर पुलिस ने ढूंढ निकाला था। उस वक्त कहा जा रहा था कि भैंसे आजम खान की थी, इसलिए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें ढूंढ निकाला, लेकिन यहाँ स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसके बावजूद यहाँ पुलिस की कार्रवाई और अपनी भैंसों के प्रति किसान का मुंह देखकर आपके चेहरे पर भी एक मुस्कान आना लाजमी है। देखते रहिए डीबी लाइव।